Good morning, student. In math, we are doing our chapter number 1, and the name of the chapter is The Fish Tale. Today we will learn about expanded form of the number. So aaj hum number ke expanded form ke bare mein janenge. What is expanded form of the number? So expanded form kya hota hai? Expanded form mein beta hum ek number ke सारे डिजिट्स को उसके प्लेस वैल्यू के सम के फॉर्म में लिखते हैं. मैं फिर से बताती हूँ, एक नंबर में जितनी डिजिट्स होती हैं उनके प्लेस वैल्यू के सम के फॉर्म में लिखते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे आपके सामने एक नंबर है इस, और इसको आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो. आप इसको लेफ्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो और आप राइट से भी स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. सो मान लीजिए मैं इसको लेफ़्ट से स्टार्ट करती हूँ. तो सबसे पहले आप 4 का प्लेस वैल्यू लिखेंगे. 4 की क्या प्लेस वैल्यू है? पहले आप 4 की प्लेस वैल्यू लिख देंगे. ये देखिए, मैं लिख रही हूँ उसकी प्लेस वैल्यू. तो 4 की प्लेस वैल्यू हो गई 4 लाख. फिर सम का साइन, ऐड का साइन, उसके बाद 3. अब आपको 3 की प्लेस वैल्यू लिखनी है. तो 3 की प्लेस वैल्यू हो गई आपकी 30,000. ठीक है, 30,000 हो गई आपकी 3 की प्लेस वैल्यू. अब आपको 6 की प्लेस वैल्यू लेनी है. सम का साइन लगाइए, फिर 6 की प्लेस वैल्यू आप लिख लीजिए. ये लीजिए, हमने 6 की प्लेस वैल्यू लिख ली, 6,000. अब आप 7 की प्लेस वैल्यू लिख लीजिए. सम का साइन लगाइए, प्लेस वैल्यू 7 की आप लिखिए. तो ये हो गया 700, हमारा हो गया 7 की प्लेस वैल्यू. फिर सम का साइन, उसके बाद 8 की प्लेस वैल्यू 80, और उसके बाद फिर से सम का साइन, और फिर 4 की प्लेस वैल्यू, 4 की प्लेस वैल्यू 4 आ गया. तो ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म किसी भी नंबर का, कि आप हर उस नंबर के हर डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू के सम के फॉर्म में शो करेंगे. ठीक है, इसी तरीके से अब आपको इन नंबर्स के भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने हैं. ओके, गुड लक.